एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार और या अली मदद सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बसित ने जोर देकर कहा कि फ़रार माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को उनके देश ने नहीं छुपा रखा है यहाँ तक कि आपकी सरकार को भी उसके पते ठिकाने की पुख्ता जानकारी नहीं है आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये एक सुखद सच है कि तेलंगाना में नवाबपेट गांव के लोग इन दिनों दहेज में मिली रकम वापस लौटा रहे हैं तेलंगाना के नवाबपेट गांव की ये छोटी सी पहल देशव्यापी मुहिम को जन्म दे सकती है क्योंकि हमारे देश और समाज में दहेज विरोधी सोच का प्रचार प्रसार होना भी शुरू हो चुका है भाजपा ने कहा कि कारोबार सुगमता में भारत की रैंकिंग में सुधार मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का संचित प्रभाव है पार्टी ने उम्मीद जताई कि भारत आने वाले वर्षों में शीर्ष पचास देशों में शुमार हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के त्यौहार पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है बुधवार को तीन शिशुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया पाकिस्तान में एक दशक से अधिक समय तक फंसे रहने के बाद स्वदेश लौटी मूक भारतीय लड़की गीता ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की राष्ट्रपति ने गीता को आशीर्वाद दिया और कहा तुम दोनों देशों के पुत्री हो भारत और पाकिस्तान की एकता की प्रतीक हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सात दशमलव पाँच तीव्रता का भूकंप आने के कुछ दिनों बाद 300 से ज़्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है वहीं बचाव कर्मियों को पीड़ितों को राहत पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 साल में सबसे शक्तिशाली जलजले में पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या दो से दो हो गई है जिसमें खबर पखतूनख्वा और संधीय प्रशासित कबायली क्षेत्र में 214 पंजाब के पाँच और पीओके में नौ लोगों की मौत शामिल है अमेरिका ने कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस में हुई बैठक में लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई पाकिस्तान को तुर्की के साथ हुए एक बड़े रक्षा सौदे के तहत चौंतीस प्रशिक्षक और लड़ाकू विमान मिलेंगे क्यूबा पर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव के समर्थन में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 190 अन्य सदस्य देशों ने मतदान किया और कहा कि इस तरह के प्रतिबंध की मौजूदगी बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को कम करती है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया राज्यपाल राम नाइक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के आठ मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया जिनमें पांच कैबिनेट और तीन राज्य मंत्री शामिल हैं इस कार्रवाई के बाद सूबे में अब सिर्फ छियालीस मंत्री बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरों पर चुटकी लेते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि भारतीय इतिहास में वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लंबे समय तक देश से बाहर रहते हैं गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह के मामले को चुनौती देने वाली याचिका के एक मामले में राज्य सरकार और क्राइम ब्रांच को नोटिस जारी किया है इंडोनेशिया में गिरफ्तार किए गए अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन छोटा राजन ने हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर रखा है मुंबई पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि छोटा राजन ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में चार से पांच हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है यूनानी द्वीप समूह लेसबोस के निकट शरणार्थियों को ले जा रही लकड़ी की एक नौका डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई इस हादसे में अड़तीस लोग अभी भी लापता हैं जबकि 242 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है भारत में पिछले साल तेबिक यानी टीबी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि सन 2014 में इस बीमारी से 15 लाख लोगों की मौत हुई है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति रद्द करने के लिए सरकार को भाग्य करने में असफल रहने पर आंदोलनकारी छात्रों ने अपनी हड़ताल एक रूप से समाप्त कर दी लेकिन साथ ही अपना विरोध जारी रखने की घोषणा की वहीं दस जानेमाने फिल्म निर्माताओं ने छात्रों के साथ एकजुटता जताते हुए देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ अपने राष्ट्रीय पुरस्कार लौटा दिए अमेरिकी टीवी धारावाहिक क्वांटिको में प्रदर्शन के लिए सराहना पा रही बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया जाता है कि उन्हें एबीसी द्वारा अमेरिकी सेलिब्रिटी टॉक शो की मेजबानी करने की पेशकश मिली है प्रवर्तन निदेशालय ने नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर अभिनेत्री जूही चावला के पति जय मेहता की मॉरिशस स्थित कंपनी को बेचे जाने के मामले में नियमों का कथित रूप से पालन नहीं करने को लेकर अभिनेता शाहरुख खान को समन भेजा है पंद्रह सालों से भारत में रह रहे विख्यात पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को जल्द ही भारतीय नागरिकता मिल सकती है अदनान दो बार भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं दिवाली के मौके पर बॉलीवुड और सलमान के फैंस उनके आगामी फिल्म प्रेम रतन धन पायो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सलमान ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है बताया जा रहा है कि फिल्म के निर्देशक सलमान खान ने इस फिल्म के लिए सूरज बरजातिया से किसी भी तरह की फीस नहीं ली है शायद वह फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म की कमाई से कुछ हिस्सा लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मशहूर गजल गायक गुलाम अली को कार्यक्रम पेश करने का निमंत्रण दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि गज़ल गायक कार्यक्रम पेश करने की इच्छा रखते हैं तो राज्य सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अगले हफ्ते इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए नमस्कार सत शामिलकुम और यह अली मदद